जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने रविवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को आयोग की मंशा अनुरूप सुचितापूर्ण शांतिपूर्ण पारदर्शी व निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आहूत बैठक की। अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें, कोई भी कार्यक्रम करने से पूर्व उसकी पूर्व अनुमति अवश्य लें। उन्होंने बताया कि लोकसभा प्रत्याशी के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए है। इलेक्शन कमीशन चुनाव में क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, कितनी फोर्स जिले के लिए अवेलेबल हो चुकी है? देखिए, पुलिस का जो सबसे परम दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमारा पुलिस फोर्स कटिबद्ध है और वो दायित्व यही है कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करें और इम्पार्शियल चुनाव हम कराएं और इस पूरे प्रोसेस में हम लोग तमाम ट्रांसपेरेंसी बरतें ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत कहीं ना आने पाए। इस दायित्व का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। जो हमारी प्रिवेंटिव कार्रवाई है वो भी चल रही है, जो अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध भी हमारी कार्रवाई चल रही है। अब तक जनपद में हम लोगों को 2 कंपनी CPNF की प्राप्त हुई है जिसका उपयोग किया जा रहा है एरिया डोमिनेशन के लिए और बाकी कार्यों के लिए। अभी अन्य फोर्स जो आना है उसके बारे में आपको अलग से अवगत कराया जाएगा, लेकिन जो भी फोर्स आना है उनके ठहरने की जो व्यवस्था है जिन स्कूल्स में की जानी है उनका भ्रमण कर लिया गया है। मेरे ODM साहब के द्वारा भी कई स्कूलों का भ्रमण करके ये इंश्योर कर लिया गया है कि जो मानक प्रिस्क्राइब है इलेक्शन कमीशन की तरफ से फोर्स को ठहरने के लिए उन मानकों के अनुसार ही वहाँ व्यवस्थाएँ की जाए ताकि उनको किसी तरीके की समस्या ना आए। और इसके अलावा जितने भी सेंटर्स हैं जनपद में उन सारे सेंटर्स का भ्रमण हमारे थानाध्यक्षों के द्वारा कर लिया गया है, हमारे तमाम अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है, मेरे ODM साहब के द्वारा भी लगातार भ्रमण करके उन सेंटर्स को देखा जा रहा है वहाँ क्या समस्याएँ हैं, वहाँ अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की कोई समस्या तो नहीं है, अप्रोचेबिलिटी की कोई समस्या तो नहीं है, यदि कहीं से कोई समस्या आ रही है उसका निराकरण कराया जा रहा है। तो सारी तैयारियाँ इस बात की जा रही हैं कि चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से संपन्न कराया जा सके। सर, जनपद में कल से जो है आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है, उसके चलते क्या दिशा निर्देश चुनाव आयोग से इस बार लोकसभा चुनाव के लिए दिए गए? देखिए, कल लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का आगाज हो गया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जैसे ही निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई और इसके दृष्टिगत जिन टीमों का गठन हम लोगों ने पहले किया था विधानसभा वार फ्लाइंग स्क्वाड SSP वीडियो सर्वलांस टीम सारी टीमों का गठन करके हम लोग काफ़ी पहले ही इसका प्रशिक्षण करा चुके थे और परसों जैसे ही जानकारी हुई थी कि आगामी दिवस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है हम लोगों ने उनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया। तत्काल वो सभी टीमें क्षेत्र में जाकर सक्रिय हो गई है। जितनी भी प्रचार सामग्री है विभिन्न स्थानों पर लगाई गई थी। 24 घंटे 48 घंटे और 72 घंटे का प्रोविजन होता है क्रमशः शासकीय पब्लिक प्रॉपर्टी और निजी संपत्ति के लिए, उनसे उसको उतारना शुरू कर दिया गया है। विभिन्न जो संस्थाएं हैं तो उसमें लगा के हमने सारी सामग्री का रोपण का निर्माण कराना शुरू कर दिया है। जहाँ तक जनपद में मतदान की बात है, हमारा तृतीय चरण में जनपद आ रहा है। हमारे यहाँ 2577 बूथ 1720 मतदान केंद्र हैं और इन सारे बूथों पर जितनी न्यूनतम व्यवस्थाएँ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रावधानित हैं वो हम लोग वहाँ पर इंश्योर करवा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया स्मूथ हो, आगे सारे चरणों की जो भी विभिन्न चरणों में हमारी कार्रवाई आगे बढ़ती है, पोस्टल बैलेट हो, ट्रेनिंग हो, वो सारी व्यवस्थाएँ हम लोगों ने